यार बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच नहीं आई जिसका प्राइस कम हो, बट आज मैंने आपकी हैवी डिमांड पर एक ऐसी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच मंगवा ली है जो सस्ती भी है प्लस डुअल एसडी कैमरा वाले फीचर के साथ भी आती है। इवन आप इस वॉच में वो हर एक काम कर पाओगे जो एक स्मार्टफोन करता है। बाकी इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है वो सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So guys, इस वॉच का नाम है टेलजील 4G जिसे मैंने जैसे तैसे चाइना से मंगवाया है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें दी गई है ये वायरलेस चार्जिंग केबल, देन उसी के साथ साथ दिए गए हैं ये दो अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स जिसमें से एक ओशियन लूप है एंड दूसरा एल्पलाइन लूप। वहीं इसके ठीक बाद आती है हमारी स्मार्ट वॉच जो पूरे मेटेलिक बिल्ड के साथ आती है। इवन लुक फील और साइज से ये वॉच प्रॉपर ओजी वॉच जैसी लग रही है। अब अगर इसकी आउटर बॉडी पर नजर डाले तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्राउन बटन जो की वर्किंग है, मिडल में एक छोटा सा स्पीकर, देन पावर बटन, वही बैक पैनल के चारों कॉर्नर्स पर आपको इनबिल्ड स्क्रूज मिल जाएंगे, प्लस ये छोटा सा कैमरा स्लॉट भी जो अराउंड 10 मेगापिक्सल का है। एंड अब चाहो तो इस वॉच में अपना सिम कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो चाहे वो 4G हो या फिर 5G, लेकिन 5G नेटवर्क में ये वॉच ओनली कॉलिंग सपोर्ट करती है ना कि इंटरनेट। देन 4G नेटवर्क तो आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे, कॉलिंग इंटरनेट दोनों हो जाएगा। बाकी ये जो छोटे छोटे होल्स आप देख पा रहे हो एक्चुअल में ये इसकी स्पीकर वेंट है। नेक्स्टली जब ये वॉच ऑन होती है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। इवन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इस वॉच में स्मार्टफोन की तरह फेस लॉक भी सेट होता है, जिसे कैसे सेट करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बाय द वे इस वॉच की डिस्प्ले की बात कर ले तो अराउंड 2 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, बट कलर एफिशिएंसी मुझे उतनी खास नहीं लगी, एवरेज है। एंड मैं तो इसे पानी से बिल्कुल दूर ही रखूंगा क्योंकि मुझे इसकी IP रेटिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाय द वे इस वॉच में आपको सभी टाइप के सिक्योरिटी ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे आपके स्मार्टफोन में होते हैं, लाइक पासवर्ड, पिन, पैटर्न एंड फेस लॉक। वहीं बात रही इनबिल्ड वॉच फेसेस की तो उनके नंबर है 8, जिनमें से कुछ वॉलपेपर्स पर टैप करने से उनके कलर्स वगैरह भी चेंज होते हैं, जो ये शो करता है कि वॉलपेपर तो एक है लेकिन उसके काम अनेक है। वहीं इसके बैटरी बैकअप की बात कर ले तो चाइना वाले क्लेम करते हैं कि एक सिंगल चार्ज पर ये आराम से 5 दिनों तक चलती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही दिन चल जाए वही बड़ी बात है। आगे वाईफाई कनेक्टिविटी पर गौर कर ले तो इसके साथ आपको ओनली 2.4 GHz की वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है, मींस रॉकबिट मॉडल X को हटा दे तो उसके अलावा किसी भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में 5 GHz की कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच नहीं आई जो रॉकबिट मॉडल X को टक्कर दे सके। आगे UI परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो UI परफॉर्मेंस भी मुझे स्लो लगा, उतना खास नहीं है, बट हाँ आप डायलर का यूज करके कॉलिंग वगैरह जरूर कर सकते हो क्योंकि सिम कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन जो मिलता है। वहीं जो भी कॉन्टेक्ट आपको वॉच में सेव करना है या फिर ऑलरेडी सेव्ड है आपके सिम कार्ड में तो वो भी जिंक हो जाएगा, मींस एक एक सिंगल कॉन्टेक्ट नंबर सेव करने की जरूरत नहीं, प्लस जितनी भी नोटिफिकेशंस या मैसेजेस आपको रिसीव होंगे उन सभी को आप रीड भी कर पाओगे। एंड अगर आप अपने कुछ पर्सनल पिक्चर या वीडियोस इस वॉच में सेव करना चाहते हो तो बेहिजक कर सकते हो, जिन्हें देखने के लिए गैलरी भी मिल जाती है। देन इस वॉच में इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय मैंने किसी भी टाइप का इशू फेस नहीं किया, बस हाँ किसी भी चीज को रेंडर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। एंड इस वॉच की इंटरनेट स्पीड भी कोई ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि जब मैंने इंटरनेट स्पीड टेस्ट की तो वहां पर मैंने पाया कि 30 Mbps तक ये वॉच नेट उठाती है, जबकि मेरा वाईफाई कनेक्शन 300 Mbps का है, बट हाँ इतने में आप इजिली यूट्यूब वीडियोस एंजॉय कर पाओगे। नेक्स्टली अगर आपको वॉच में कॉल्स की हिस्ट्री वगैरह चेक करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। एक चीज और अच्छी है कि पहले से ही इस वॉच में फालतू की एप्स वगैरह भर के नहीं आती, क्योंकि जितनी भी यूजफुल एप्स है वही आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्टली अगर आप किसी की बातों को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस मोटिव से इस वॉच में साउंड रिकॉर्डर भी दिया गया है जो इस वॉच के माइक के थ्रू क्लियरली आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है। बात रही हेल्थ फीचर्स की तो हार्ट रेट वगैरह चेक करने के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन प्लीज इस वॉच के सेंसर्स पर भरोसा मत करना क्योंकि रिलायबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है चाइनीज वॉच है तो आप ज्यादा कुछ कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी ये हाल सिर्फ इस वॉच का नहीं है क्योंकि मार्केट में और भी बड़े बड़े ब्रांड चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं स्मार्ट वॉचेस। आगे अगर मैं इस वॉच के साथ आने वाली रैम की बात कर लूं तो इसके साथ हमें 1 GB का रैम दिया गया है एंड इसका प्रोसेसर भी कबाड़ सा है, कोई ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ फोटोज, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इस वॉच में 16 GB का इनबिल्ड स्टोरेज जरूर मिलता है, लेकिन ये स्टोरेज कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस बैटरी ड्रेनेज भी इस वॉच में काफी तेजी से होता है, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि फेस लॉक वगैरह आप इस वॉच में सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको जस्ट पहले एक पासवर्ड या पिन सेट करनी है, फिर ये वॉच आपके फेस को एक बार स्कैन करेगी, देन फेस लॉक सेट हो जाएगा। नेक्स्टली अगर आप इस मेन्यू बार के पीछे के
आइकन को चेंज करना चाहते हो सो वो भी आप कर पाओगे, जिसे आप इस वॉच के एप्लीकेशन के जरिए अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। इवन बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस वॉच में सपोर्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ 1GB रैम, क्योंकि रैम थोड़ी ज्यादा होती तो मे बी ज्यादा से ज्यादा एप्स इस वॉच में चल जाते। नेक्स्टली आप चाहो तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस वगैरह इस वॉच में कर पाओगे कैलकुलेटर के जरिए। वहीं इस वॉच का जो बैक कैमरा है वो अराउंड 10 मेगापिक्सल का है, जिसकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी उतनी खास नहीं है, बट हाँ आप चाहो तो फोटोज एंड वीडियोज दोनों ही शूट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। देन इसके फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 4 मेगापिक्सल का एक SD कैमरा दिया गया है फ्रंट में, लेकिन इसकी भी इमेज क्वालिटी उतनी ज्यादा खास नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, बट हाँ फेस लॉक सेट करने के बाद इस वॉच के सेंसर्स इजीली आपके फेस को डिटेक्ट कर लेंगे। बाकी पिक्चर क्वालिटी आप लोग आगे देख ही सकते हो, उतनी ज्यादा कोई खास नहीं है। वहीं अगर आपको वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों को यूज करके बना सकते हो। आइए अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। सो देखो दोस्तों, इसके अंदर यूट्यूब तो इजीली सपोर्ट करता है, बट हाँ रेंडर होने में यही कुछ 10 सेकंड ले लेता है। बाकी इस वॉच के क्राउन बटन से वीडियो वगैरह स्क्रॉल नहीं होने वाली, आपको अपनी फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस वॉच में यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि आप इजीली इन वीडियोस को लाइक शेयर एंड स्क्रॉल कर पाओगे। इवन इन वीडियोस पर कमेंट वगैरह भी हो जाते हैं। देन बात रही लॉन्ग वीडियोस की, तो मैक्सिमम आप 1080 पिक्सल तक लॉन्ग वीडियोस का मजा उठा पाओगे। वहीं वीडियोस देखने के टाइम कलर क्वालिटी एवरेज आती है, उतनी ज्यादा कोई खास नहीं कहूंगा। आगे अगर गेम्स की बात कर लूं तो यहां पर मैंने सबसे पहले फ्री फायर ट्राई की, जिसमें गैरिना लिखा तो आ चुका है, लेकिन कुछ सेकंड्स वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि साफ साफ लिखा आ रहा है कि ये गेम इसमें नहीं चलने वाली, इसलिए मैं चाइना वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की घड़ियां ना ही बनाया करें, क्योंकि चलना वलना कुछ है नहीं, बेफालतू का हवा बना रखा है। बट ऐसा नहीं है कि गेम्स बिल्कुल ही नहीं चलती, क्योंकि इन बड़ी गेम्स के अलावा ये छोटी छोटी गेम्स इस वॉच में आराम से चल जाएगी, लाइक सर्वे सर्फर्स। वीडियो में आगे बढ़े सो नेक्स्टली हमने बाइक रेसिंग वगैरह इस वॉच में ट्राई की, जिसे खेलते टाइम टच कंट्रोल्स का एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा, कोई भी लैग एंड पिक्चर्स फील नहीं किए। वैसे छोटी स्क्रीन है तो उतना अच्छा गेम प्ले नहीं हो पाएगा, बट ये है कि मनोरंजन आपका जरूर कर देगी ये वॉच। देन सबसे लास्ट में मैंने ये कार रेसिंग ट्राई की, जो पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि इस गेम का प्लेइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। कार्स वगैरह जो भाई चल रही थी ना, काफी बढ़िया लग रही थी। बाय द वे, कुछ दिन पहले जो मैंने गिव अवे रखा था उसके रिजल्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं। इतना डिले इसलिए हो गया क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं गिव अवे के रिजल्ट्स नहीं निकाल पाया था। ऑलराइट दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी प्राइसिंग कितनी रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, अभी तो ये वॉच इंडिया में नहीं आई, बट फिर भी मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी अराउंड 3000। बाकी जैसे ही ये इंडिया में आती है वैसे ही इस वीडियो पर बायलिंग अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।